हाय दोस्तों नमस्ते। तो देखिए आज मैं आई हूँ सूखी बुंदिया की रेसिपी लेकर। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी सूखी बुंदिया लिया है। ये रायता वाला बुंदिया है, आपको ये राशन स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैंने बुंदिया ले लिया है। एक खाली बर्तन है, पहले हम एक चम्मच चीनी ले लेंगे। आपके पास पीसी हुई चीनी है तो आप वो ले लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच चीनी ले लिया है, उसमें थोड़ा गर्म पानी का उपयोग करेंगे बुंदिया भिजाने के लिए, और चीनी भी थोड़ा गल जाएगी मेरा। तो देखिए हमने यहाँ पे आधा कप ले पानी लिया है मैंने, ये हमारा पानी है। चीनी से अच्छे से मिक्स कर देगा, आपको बस पीसी हुई चीनी रहेगा तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अच्छे से मिला लेंगे चीनी को, इसमें हम बुंदिया भी डाल देंगे हमारा 3 चम्मच, जिसमें गर्म पानी बुंदिया भी अच्छे से फूल। देखिए तब तक मेरे यहाँ पे बुंदिया फूल रहा है, तो तब तक चलिए हम दूसरे सामान की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है, ये मेरा घर का दही है। तो अच्छे से हम दही को मिला लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से दही को फेंट लिया है, अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भुना जीरा लिया है, भुना जीरा का पाउडर। यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है, ये कलर वाली मिर्च पाउडर है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सादा नमक लिया है, जो हम घर में नमक खाने में यूज करते हो। और यहाँ पे मैंने छोटा 1 चम्मच मैंने ये काले नमक लिया है। सब मैंने स्वाद के अनुसार लिया है कि हमारा कम बेसी ना हो। कम बेसी हो तो आप बाद में चेक कर लीजिएगा। सबको मिला लेंगे, दही में डाल के सबको भी मिला लेंगे अच्छे से मसालों को। तो देखिए दोस्तों मैंने मसालों को भी अच्छे से मिला लिया है, अब हम देखते हैं हमारा बुंदिया फूला कि नहीं। तो देखिए दोस्तों 3 से 4 मिनट मैंने रखा था बुंदिया को। देखिए पानी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया, मैं चीनी भी देखिए पूरा गल चुका है जो मैंने डाले थे। अब मेरा बुंदिया भी देखिए थोड़ा फूल चुका है, अब इसे हम दही में मिक्स कर देंगे। दही में मिक्स कर देते हैं, अब हम बुंदिया को अच्छे तरह से दही में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों बुंदिया का रायता हमारा बन के रेडी है। मैंने बुंदिया को अच्छे से मिक्स कर लिया, देखिए इतना सिंपल से बुंदिया का रायता बन के रेडी है। घर का सामान का आपको बुंदिया का रायता बन जाएगा। तो चलिए सब करते हैं। तो देखिए बुंदिया का रायता आप रोटी के संग खाइए, इसका आलू पराठे का साथ खाइए, कितना बहुत ही टेस्टी लगती है बुंदिया का रायता, और बहुत ही हेल्दी भी आप इसे खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। और नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।